किधर गया वो साला? दादा इसको लगा था पुलिस स्टेशन जाके बच जाएगा, मैंने पुलिस स्टेशन के सामने ही जला डाला। अबे सुना ना, भीकू ने उसको पुलिस स्टेशन के सामने ही जला डाला। हेलो दादा, ये साला बहुत जोर से चिल्ला रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बाद में कॉल करूंगा। बाहर कोई जोर जोर से चीख रहा है, मैटर क्या है? बेचारा अपनी पत्नी से परेशान था, इसलिए पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। अगर कंप्लेन में कुछ और लिखा तो तुम लोगों को भी जला डालूंगा। अरे बाप रे, उस बेचारे को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया, वो लोग थे कौन? बग्गा के आदमी है सर, वो जो भी बोलता है और करता है यहाँ का नियम बन जाता है, ना कोई उस पर उंगली उठाता है और ना ही उसके खिलाफ कोई मुंह खोलता है। अच्छा, वैसे जो मरा वो कोई बड़ा लीडर था क्या? सर आप बहुत सवाल करते हैं, वो कोई बड़ा लीडर वीडर नहीं था, वो काशी का आदमी था। अब ये काशी कौन है? हमारी सुख शांति पर एक और ग्रहण पे सवा से एक स्मगलिंग और ड्रग्स का कारोबार करता है, तो दूसरा किडनैपिंग और फिरौती का धंधा चलाता है। अगर कोई भी उनके धंधे में टांग अड़ाता है तो वो उसे बेरहमी से मार देते हैं। पहले वो दोनों एक ही गैंग में थे, लेकिन बाद में अलग होके उन्होंने अपनी अपनी गैंग बना ली। उनकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचे या उनकी जान चली जाए, उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। तो तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ करना चाहिए ना? मेरा मतलब हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ करना चाहिए। आपको याद है सुबह में एक बुजुर्ग कांस्टेबल ने आपसे साइन करवाए थे? याद है। अब क्या कहूं सर, सालों से वो आदमी मुस्कुराया नहीं। ऐसा क्यों सर? एक बार वो काशी को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था। आगे आया तो इसे काट डालूंगा। ए, मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। ए, आगे नहीं आना, छोड़ दो। सर उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी का गला काट दिया, एक पुलिस वाला होने पर भी वो कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पर पुलिस सिर्फ नाम के लिए है सर, सारा लॉ एंड ऑर्डर तो उनके हाथों में। एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जरूरत है जो सालों की नानी दादी सब याद दिला दे उनको। आएगा आएगा, एक दिन जरूर आएगा। आएगा, लेकिन डर के मारे कोई इस पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग लेता ही नहीं। वैसे आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ रहना अपनी मौत को दावत देना है, गोली से मैं बाद में मरूंगा, टेंशन से पहले मर जाऊंगा मैं। ये क्या? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? शिवर रामा कृष्णा सब इंस्पेक्टर। ए पुलिस, ये लकड़ी कौन सी है? टीक वुड है। तेरे पास कोई कील बची है? हाँ बची है, आपको चाहिए? कहाँ ठोकनी है? सीधा मेरे दिल में ठोक दे ताकि मैं अभी मर जाऊँ। इतने सेंटी क्यों हो रहे हो भैया, बोर्ड छोटा है क्या? नहीं, बोर्ड का साइज ठीक है, वो बैग में आ भी जाएगा। जल्दी पैक कर ले, हमें यहाँ से अभी निकलना है। क्या बात है भैया? कार्तिक, इस शहर में गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही है, दिन दहाड़े लोगों को मार देते हैं। भैया गुंडागर्दी कहाँ नहीं होती, पुलिस स्टेशन इसीलिए तो बनाए जाते हैं। हाँ, पर पुलिस स्टेशन के सामने ही एक आदमी को जिंदा जला दिया। आप उस वक्त अकेले थे क्या? नहीं, वहाँ मेरे सीनियर और कांस्टेबल्स वगैरह सब थे। अगर वो लोग टेंशन नहीं ले रहे हैं तो आप क्यों? मैथ्स पल्ले नहीं पड़ता तो कोई स्कूल बदलता है क्या? जिस स्कूल में जाओगे मैथ्स तो होगा ही। हाँ, बदलना आपको पड़ेगा, आपने अभी अभी नया ज्वाइन किया है, आपके साथ कोई पंगा नहीं लेगा। आप उन्हें पकड़िए जो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं या थिएटर के बाहर टिकट ब्लैक करते हैं। मुझे बस यही करना है। और क्या भैया, छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनो। वो लड़की तो हमारे एरिया में नहीं रहती, फिर ये केस यहाँ क्यों ठोक दिया? सर जिस स्कूल में लड़की पढ़ती थी वो हमारे एरिया में आता है, इसलिए वो केस हमें सौंप दिया है। समझ गया सर, सब जानते हैं कि काशी ने लड़की को किडनैप किया है, अगर हमने इस मामले में अपनी उंगली डाली तो वो काट डालेगा, इसलिए उन्होंने चुपचाप केस हमारे पुलिस स्टेशन पर थोप दिया। सर हमें भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। हाँ पता है, लेकिन उसने कस्टम ऑफिसर की बेटी को किडनैप किया है, ऊपर से हमारे ऊपर काफी प्रेशर आ रहा है, कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। क्या करो, ये तारा ओ तारा।
आओ शिवा, काशी ने कस्टम ऑफिसर की बेटी को किडनैप कर लिया है। हम सब ने ये फैसला लिया है कि ये केस तुम संभालोगे। क्या कहा सर? मैं? हाँ, मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया है, बल्कि हम में से तुम ही हो जो पुलिस ड्यूटी अच्छे से निभा पाओगे। क्या कहा था इसने बजरंगी? जिस तरह भगवान मुकुट पहनते हैं, पुलिस टोपी लगाती है। कल पोस्टिंग हुई, आज केस मिला, कल प्रमोशन। क्या लकी हो तुम। मुझे जाना है सर। हेलो, सुन, तू कह रहा था एंजॉय करना, पता है मुझे पहला काम क्या दिया? एक स्कूल की बच्ची को ढूंढ कर लाना है। मैंने कहा था ना आपसे, आपको ऐसे ही काम दिए जाएंगे, बच्चों को छोड़ के आना, स्कूल से पिकअप करना, घर ले जाना। बच्ची को स्कूल से नहीं लाना है, किडनैपर के पास से लाना है। जानता है उसे किसने किडनैप किया? काशी, वही जो लोगों का गला काट देता है। केस ले लीजिए। केस ले लूं? उनसे कहिए आप अकेले ही जाएंगे। हैं? क्या अकेले? वन मैन शो? पापा, कहाँ हूँ? मुझे आके बचा लो पापा, पापा। सुना ऑफिसर, तेरे पास जो पेपर है चुपचाप साइन कर दे, ताकि कस्टम वालों ने जो मेरा स्मगल किया हो माल पकड़ा है, उसे मैं छुड़ा सकूं। अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता है। ए, कौन है तू? जेम्स बॉन्ड। ए, जा देखे आवाज कैसी है। कोई पुलिस वाला है, जाओ ढूंढो उसे। मिला गया वो। अरे कल्पेश, मिला गया। चुप के क्या वार कर रहा है बे? मैं तो मेरे सामने आ, सामने आ। कौन है रे तू? हाँ, नाम क्या है? थैंक्स अंकल। भाई, कोई पुलिस वाला अपने आदमियों की धुलाई करके लड़की को साथ लेकर चला गया, आप सुन रहे? पुलिस वाला काशी से पंगा लेने की हिम्मत किसने की? कोई नया ऑफिसर है, बहुत जिगर वाला है भाई।
मानना पड़ेगा सर, आपके अंदर आग है। क्या बात है, इतने कम वक्त में आपने कैसे किया? देखो, सर की शर्ट पर एक शल तक नहीं पड़ा। अरे उन्हें फोन करो, कस्टम ऑफिसर को फोन करके बताओ कि उनकी बेटी सेफ है। देखते क्या हो, सल्यूट करो सर को। किधर है, कहाँ है, कौन है, किधर है? जय हिंद सर। शिवा तुम हो क्या? इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो? तुमने उस लड़की को बचाया, मैंने तुम जैसा बहादुर आज तक नहीं देखा। मुझे पता चल गया है, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। तुम्हारी रगों में पुलिस का खून दौड़ रहा है। तुम्हारे दादा पुलिस में थे, तुम्हारे पिता पुलिस में थे, तुम्हारा पूरा परिवार पुलिस में नौकरी कर चुके हैं, इसलिए तुम दुश्मन के इलाके में शेर की तरह दहाड़ मार के आ गए। शाबाश, गले लग जाओ। हम सबको इस बहादुर ऑफिसर से कुछ सीखना चाहिए। मैं कब से इसकी तारीफ कर रहा हूँ? ये मैंने नहीं किया सर, ये किसी और ने किया है, ऐसे एक्सप्रेशन इसके चेहरे पर आ रहे हैं ना। यही बात हमें इससे सीखनी चाहिए। नेकी कर और दरिया में डाल, ये कहावत तुम पे फिट बैठती है। ये तलवार तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पकड़ो इसे। ये भी पकड़ लो। जानते हो ये दोनों तलवारें मुझे कहाँ से मिली? रद्दी की दुकान से मिली। बीच में तलवार नहीं अड़ाते। अगर मैंने अपनी, अपने परिवार की और इस तलवार की बात करनी शुरू कर दी तो रात हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। तुम्हें देख कर कंट्रोल नहीं होता है यार। अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट। हे गाड़ी लेकर आओ रे इधर। कौन है ये लोग? सर साउंड पोल्यूशन केस है। लेकिन साउंड कहाँ है? ए, तुम लोग जानते हो आज हमारे ऑफिसर ने पुलिस का झुकावा सर ऊंचा कर दिया है। बजा दो, जोर जोर से बजा दो। ए, सुना नहीं कि आप किसका वेट कर रहे हो? सर कंट्रोल। गाड़ी लाओ।